कन्वर्सेशन पर बात करेंगे दंतेवाड़ा के, जहां पर आईईडी बम ब्लास्ट हुआ है। आपको बता दें दंतेवाड़ा की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, दंतेवाड़ा से नक्सलियों ने आईईडी बम ब्लास्ट किया है। मतदान दल को निशाना बनाने के लिए ब्लास्ट किया है। घटना में बाल बाल मतदान दल जो है बचा है। करे कल्याण थाना क्षेत्र की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। नक्सलियों ने आईईडी बम ब्लास्ट किया है, बड़ी खबर, दंतेवाड़ा से मतदान दल को निशाना बनाने के लिए ये ब्लास्ट किया गया। घटना में मतदान दल जो है बाल बाल बचा है। कटे कल्याण थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तेलम से लौट रहा था मतदान दल, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। घटना में मतदान दल बाल बाल बचा आपको बता दें, आईईडी बम ब्लास्ट किया गया है। कटे कल्याण थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तेलम से लौट रहा था ये मतदान दल, जिस दौरान ये हादसा हुआ, आईडी बम ब्लास्ट किया गया नक्सलियों की तरफ से। अधिक जानकारी के लिए पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या खुद पूरी जानकारी बता दूं मैं कि श्री श्री पंचायत चुनाव का दूसरे चरण की वोटिंग थी, और इसी वोटिंग के लिए कटे कल्याण विकास खंड में वोटिंग करवाने के लिए मतदान दल निकला हुआ था। तेलम सेटम में उनकी ड्यूटी लगी थी, और तेलम में सुरक्षित मतदान करवाने के बाद जब ये दल लौट रहा था, उसी समय रास्ते में नक्सलियों का आईडी लगाया हुआ था, जहां पर नक्सलियों ने ब्लास्ट किया। मगर खुशकिस्मती से इस आईडी ब्लास्ट में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। मतदान दल के साथ जो सुरक्षा कर्मी थे, सभी मतदान दल दल के लोगों को लेकर के रोड के रास्ते से, जंगलों के रास्ते से होते हुए सुरक्षित पुलिस थाने पहुंच चुके हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। खबर आपको बताई, नक्सलियों ने आईईडी बम ब्लास्ट किया है। दंतेवाड़ा से खबर आपको बताई, मतदान दल को निशाना बनाने के लिए ब्लास्ट किया गया था। घटना में मतदान दल जो है बाल बाल बचा है। और वही मां नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक।